नमस्कार दोस्तों, सतीश भाटिया स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं स्कूल के स्कूल इंस्टीट्यूट और अपना इन सब में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हमें यूज़ करना चाहिए जो हमारे यूज़ के लिए, विद्यालय के लिए या उनके लिए सुटेबल हो। मार्केट में अगर हम देखते हैं डिजिटल एजुकेशन में, तो तीन तरह के वैरायटी बोर्ड हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें हम बात करते हैं। तो एक है आपका नॉन सेरामिक बोर्ड, दूसरा है आपका सेरामिक बोर्ड और तीसरा है अपना E3 बेल्जियम। बोर्ड नॉन सेरेमिक बोर्ड ये सबसे बेसिक क्वालिटी है नॉन सेरेमिक बोर्ड में। इसमें आप डिजिटल फॉर्म में सारी राइटिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें हम गलती से भी कोई भी मार्कर का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनकेस अगर मार्कर का यूज़ हो जाता है तो उसके डॉटेड वहाँ पे क्लीन नहीं हो सकते हैं। नॉन सेरेमिक बोर्ड में आपका रिफ्लेक्शन की क्वालिटी लॉस रहती है, यानी शाइनिंग बहुत अच्छी वैसी नहीं, तेज नहीं रहती है, ठीक है। राइटिंग के आपके सरफेस ठीक है, राइटिंग आपको मिलेगी पर डिजिटल फॉर्म में। सेरामिक बोर्ड में आपको एडवांस चीज़ क्या मिलती है, एक तो इसका सीट बहुत अच्छा है, यानी जो इसमें यूज़ किया जाता है सीट, इसमें आप ब्लैक मार्कर या अपना मार्कर जो आप राइटिंग के लिए यूज़ करते हो, इनकेस अगर आपके इंस्टीट्यूट में स्मार्ट बोर्ड सेटअप लगा हुआ है, लाइट चली जाती है, तो आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी, आप अपना मार्कर का यूज़ करके भी अपनी क्लास को कंटिन्यू रख सकते हो। साथ में आप डिजिटल फील्ड फॉर्म पे भी इसको पढ़ा सकते हैं। थर्ड है E3 सेरेमिक बोर्ड। मैं इसे रेकमेंडेड करता हूँ जैसे आपके छोटे बच्चों के क्लासेस हैं, या आपको लगता है कि आपके स्टूडेंट इस क्लास तक इतने थोड़े से शैतान हैं जो बोर्ड को हार्मफुल कर सकते हैं, तो थर्ड बोर्ड आपको मिलता है E3 सेरेमिक। ये बेल्जियम मेड सीट पर बना हुआ है और बेस्ट पार्ट क्या है, ये स्क्रैच प्रूफ है। स्क्रैच प्रूफ से क्या है कि अगर आप किसी नुकीली चीज़ से अगर इसको मैं स्क्रैच कर दूँ, तब भी इसकी सीट इतनी मजबूत है कि ये कहीं से भी स्क्रैच नहीं आएगा और बहुत इजीली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बेस्ट पार्ट है। अगर आपके यहाँ छोटे बच्चे हैं, आपको लगता है कि बच्चे इस तरह की शैतानी कर सकते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा आपको E3 सेरेमिक बोर्ड लेने के लिए, और इंस्टीट्यूट को भी रेकमेंडेड करूँगा। E3 सेरेमिक थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में है, लेकिन इसकी क्वालिटी के कारण इसकी वैल्यू ऑफ मनी कवर करता है। टीचर्स को भी अगर इसमें मार्कर से राइटिंग करते हैं तो बहुत इजीली वॉशेबल है। अगर मैं इसमें हल्का सा मार्कर का यूज़ करता हूँ और इसको फिंगर से भी रिमूव कर दूँ, तो देखिए कोई दाग धब्बा नहीं रहता है इसमें। तो ये क्वालिटी है E3 सेरेमिक की, जिसके कारण ये रेकमेंडेड किया जाता है। ये वेराइटीज़ होती हैं। नॉन सेरेमिक में आपको मार्कर का यूज़ नहीं मिलता है, सेरेमिक में आप मार्कर का यूज़ कर सकते हैं पर इमरजेंसी केसेस पे। E3 सेरेमिक में आपका स्क्रैच प्रूफ, डस्ट प्रूफ प्लस सेरेमिक का यूज़ करना और सीट की मजबूती। तो बोर्ड आप सिलेक्शन करने से पहले इन चीज़ों को ध्यान दीजिए कि आपके यूटिलाइज यूजेस क्या हैं, किस तरह का बोर्ड आपकी क्लासरूम के लिए बेहतर रहेगा, उस तरह का आप बोर्ड चूज़ कर सकते हो। राइटिंग सरफेस आपको सेम मिलता है सभी में, केवल सीट की क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। इसको अगर हार्म भी किया जाए, नॉर्मल बच्चा भी करे या कोई बड़ा उसमें चोट भी लग जाए, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, काफ़ी मजबूत सीट के साथ है।
हम बात कर रहे थे E3 बेल्जियम सेरेमिक के बोर्ड की क्वालिटी की, कि इसको छोटे बच्चों के इंस्टीट्यूट में या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं। तो मैंने आपको अभी डिस्प्ले के साथ दिखाया था, अब मैं नॉन डिस्प्ले के साथ दिखा रहा हूँ कि अगर आप लोग चाहें तो इसको मार्कर का यूज़ भी कर सकते हैं। ये देखिए बहुत सिंपल से मैंने मार्कर का यूज़ किया, लिखा इसको और बड़े इजी से मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ। कोई भी पेपर आप लेके देखिए, कोई आपको सीट पर कोई फर्क नहीं दिखाई देगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में आपके कुछ डॉट्स रह गए हों या आपको दिखाई ना दे। दूसरा पार्ट मैंने बताया था इसका कि स्क्रैच प्रूफ क्यों है। बच्चे अगर आपके यहाँ थोड़े शैतान हैं या आपको लगता है कि ऐसे क्लासरूम में बच्चे हैं जो हार्म कर सकते हैं, तो आप इसकी, मैं एक नुकीली चीज़ लेके कर रहा हूँ, देखिए ऐसे भी अगर कोई रगड़ता हुआ जाता है, और साथ ही से कहूँगा थोड़ा जूम करके दिखाएं कि कोई स्क्रैच आया क्या यहाँ पे। तो ये क्वालिटी है E3 सेरेमिक की जो हम लोग रेकमेंडेड करते हैं। आप लोगों को टेलीफोनिक डिस्कशन में हम बताते हैं कि क्या फ़ायदे हैं नॉन सेरेमिक, सेरेमिक और E3 सेरेमिक लेने के। इसलिए कई लोगों की रिक्वायरमेंट थी कि समझ में नहीं आती ये चीज़ें कि कैसे यूज़ करते हैं इनको, इसलिए हम लोगों ने वीडियो बनाने का फ़ैसला किया था और आज आपके सामने हम ये पूरा वीडियो तैयार किया है और आपको तीनों वैरायटी बताई हैं कि नॉन सेरेमिक किस परिस्थिति में लेना चाहिए, सेरेमिक बोर्ड किस परिस्थिति में लेना चाहिए और क्या आपके यूज़ के अनुसार E3 सेरेमिक कहाँ आपका उपयोग में रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन जानकारी के साथ। थैंक यू वेरी मच।